बिजली गिराने मैं हूँ आई। पहचानो कौन सा है, नया वाला कि पुराना वाला, श्रीदेवी वाला कि विद्या बालन वाला। 90s का वो दौर था जब 60s और 70s के गाने रिमिक्स होके बनने लगे थे, यानी पुराने गानों में कुछ और नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जोड़कर उसे बना दिया जाता था। उसमें कुछ फास्ट बीट के होते थे यानी कि उनपे डांस किया जा सके, और कुछ स्लो पेस के गाने होते थे जिसे नए आशिक खूब मन लगाकर सुनते थे। इन रिमिक्सेस को बनाने में शान और आशा भोसले जी का नाम भी शामिल है, और तब हमें ये भी समझ आने लगा था कि रैप किस बला का नाम है। ये ट्रेंड खूब चला। नदीम श्रवण के गानों की खुमारी अभी उठती ही नहीं थी कि इंडस्ट्री में एंट्री हुई हिमेश रेशमिया की। वो अपने ही गानों के रीमिक्स वर्जन बना देते थे और लोग दोनों वर्जन खूब सुनते भी थे। उसके बाद आज का व्हाट्सएप दौर आ गया, जिसमें पुराने गानों की कुछ लाइंस लेकर एक अलग गाना बनाया जाने लगा, और उसे कभी रिप्राइज, कभी रिक्रिएशन और कभी रिलोड के नाम पे ऑडियंस को बेवकूफ बनाया जाने लगा। अरे मतलब अगर रिमिक्स ही करना है तो थोड़ा ढंग का कर लो, लेकिन इन कुछ अच्छे गाने इतने घटिया वर्जन बना दिए गए हैं कि इनकी आत्मा भी चिल्ला रही होगी। इस वीडियो में हम आपको लाइन से बॉलीवुड के वो गाने बताएंगे जिनका रीमिक्स सुनने के बाद कानों से खून निकलने की स्थिति पैदा हो जाती है। सबसे पहले मशीन फिल्म का तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, मतलब अक्षय कुमार और रवीना टंडन का ये गाना 90s के बच्चों के लिए इतनी अच्छी याद है, लेकिन इस गाने का कत्ल हुआ 2017 में जब मशीन फिल्म आई। इतना ही नहीं, ये पाप यहाँ नहीं रुका, बॉलीवुड के एक और कल्ट गाने को इस फिल्म में रीमिक्स किया गया, और घटिया होने के मामले में ये उससे भी आगे निकल गया। किशोर कुमार का एक चतुर नार, लेकिन इस फिल्म में इसका ऐसा रीमिक्स किया गया कि मुझे शौक से बाहर आने में काफी वक्त लग गया। तीसरा गाना दम मारो दम, मतलब जीनत अमान का वर्जन सुनिए और फिर दम मारो दम का ये टाइटल ट्रैक सुन लीजिए। आपको खुद अंदाजा लगा लीजिए कि मेरे पास तो वाकई शब्द नहीं बचे हैं। ऐसा ही कुछ फिल्म बहन होगी तेरी के साथ हुआ। आपको वो गाना याद है, जानू मेरी जान, जब अमिताभ और शशि कपूर बस में गाते हैं, उसका भी रिमिक्स हुआ और ब्लंडर हो गया। अच्छा, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ ही वक्त पहले फिल्म मरजावा रिलीज हुई जिसमें एक नहीं बल्कि दो दो गानों की रिमिक्स थे, वो भी कतई घटिया। और अभी रिसेंटली कार्तिक आर्यन की फिल्म पति पत्नी और वो का गाना अखियों से गोली मारे, वो भी इस लिस्ट में शामिल है। लेकिन एक मिनट, मोस्ट इरिटेटिंग और टॉर्चर गाने का अवार्ड देना अभी बाकी है, और ये अवार्ड जाता है नन अदर देन याद पिया की आने लगी। वो गाना याद है ना आपको, फाल्गुनी पाठक का, जिसमें रिया सेन है, मतलब कितना प्यारा कितना खूबसूरत था वीडियो भी और ऑडियो भी। लेकिन इसका लेटेस्ट वर्जन ऐसा है कि सुनने के बाद आपको खुद पर गुस्सा आएगा, कोसेंगे आप खुद को कि ऐसा क्या पाप किया था कि ये गाना सुनने को मिला। मतलब इस गाने ने घटियापन की हद पार कर दी है, ऑडियो और वीडियो दोनों ही कायदे के घटिया बनाए हैं। खैर, अगर आपने अब तक ये गाना नहीं सुना है और आपका दिल मजबूत है तो ये गाना खुद देख लीजिए, यकीन हो जाएगा। अगर इनके अलावा आपको कुछ और रिमिक्सेस के बारे में भी ऐसा लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। ये है ABP News, आपको रखे आगे।